हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो एल्गी का जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक होते हैं, कन्फ्यूजिंग चीज़ें जो होती है कि दो सब में मिक्सअप हो जाता है कि किसमें क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं है, किसमें है, कौन से में नहीं है, तो उस चीज़ को अपन आज मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक वीडियो में मैं जो सारे करेक्टर जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं उनको एक साथ लेकर अपन वीडियो करेंगे, जिससे कि आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं इसका मतलब है कि वो तीनों में इक्वल होने वाली है। ठीक है, हाइलाइटेड चीज़ तीनों में इक्वल होने वाली है, बाकी जो चीज़ होगी वो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी क्लोरोफाइल के अपने जो एल्गी हैं उनके जो टाइप्स होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इनको अपन को सीरियल वाइज याद रखने हैं। अगर ऐसे याद नहीं रहते तो अपन को तरीका बना लो कि ABCD जो अपनी आती है अपन सीखते हैं। सबसे पहले सी आता है, उसके बाद बीच वाले को छोड़ दो, उसके बाद पी आता है, यानी कि पी जो है सी के बाद ही आता है, जब कभी भी आए, कितनों को भी छोड़ के आए बीच में। और जो आर होता है वो पी के बाद में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रह जाएगा कि जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद वाला और फिर उसके बाद वाला। इस तरीके से अगर किसी को याद नहीं रहता है तो याद रख लो CPR। CPR से भी याद रख सकते हो, CPR होती है ना अपने मेडिकल टर्म। CPR अपन किसी को दबाते हैं, सीने को दबाते हैं, कुछ सांस नहीं आती है तब, उसको बोलते हैं CPR। तो इसकी ट्रिक अपन याद रख लो, वो CPR। आ गई बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करेक्टर है पिगमेंट। तो पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है? तो क्लोरोफिल ए तो तीनों में प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, फर्स्ट आएगा, ए के बाद बी आता है, तो ऑलरेडी ए और बी प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी के अंदर। इस फियोफाइसी के अंदर देखेंगे तो क्लोरोफा, अब देखो यहाँ पर बी है तो बी के बाद में क्या आता है? सी, क्योंकि क्लोरोफिल ए तो कॉमन ही है तो बी के बाद में आता है सी, तो फियोफाइसी के अंदर अपन सी कर देंगे, क्लोरोफिल ए प्लस सी। अब सी के बाद क्या आता है? डी, अब डी आएगा यहाँ पे। अब रोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए तो कांस्टेंट है प्लस डी आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी ये चीज़ें सोल्व हो गई। क्लोरोफिल ए तीनों में आएगा, क्लोरोफिल ए कांस्टेंट है तीनों के अंदर, उसके बाद आ जाएगा बी सी डी। इस तरीके से सीरियल वाइज याद रखेंगे तीनों को तो ये भी याद रह जाएगा पिगमेंट। आई थिंक समझ आ गया होगा। अगली बात करते हैं कि फ्लेजिला। तो फ्लेजिला होती है क्लोरोफाइसी के अंदर 2 to 8, यानी कि सबसे पहले चीज़ें जो होती है इंसान के पास, बहुत हवा में उड़ता है ना, कोई भी इंसान हवा में उड़ता है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो पहले कुछ दिन हवा में उड़ेगा, लेकिन उसको फिर धरती पे आना ही पड़ेगा। कैसे आता है अभी इसको समझते हैं अपन। तो 2 से 8 फ्लेजिला इसके पास शुरू में थी, फ्लेजिला लेके बहुत उड़ रहा था, उछल कूद कर रहा था क्लोरोफाइसी। इसके बाद होती है इक्वल होती है ये फ्लेजिला, और एपाइकल होती है, सीएस के ऊपर लगी हुई होती है, ये है होता है क्लोरोफाइसी के अंदर। अगली बात करते हैं फियोफाइसी के अंदर। तो इसमें होती है 2 फ्लेजिला होती है, पहले हवा में उड़ रहा था बहुत, फिर हवा में उड़ते उड़ते कुछ धरती पे आया थोड़ा सा, अभी तक पूरा नहीं आया लेकिन आया तो सही कम से कम। तो धरती पे आया, अनइक्वल हो गया, इक्वल था अनइक्वल हो गया, असमान हो गया, और फिर हो गया लेटरल। तो ये इसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट थी। ठीक है, अब यहाँ पर रोडोफाइसी में जब आते हैं तो पूरा धरती पे आ चुका है, यहाँ पर होती ही नहीं है, यहाँ पे बहुत हवा में उड़ा, फिर धीरे धीरे धरती पे आने लगा, और फिर धरती पे आ ही गया, कि ज़्यादा उड़ना भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से याद रह जाना है कि फ्लैजिला जो है पहले 2 से 8 होती है, फिर 2 हुई और फिर है ही नहीं। ठीक है, अगली बात करते हैं स्टोर, फूड जो है क्या स्टोर रहता है किसके अंदर? तो क्लोरोफाइसी के अंदर रहता है स्टार्च, इसके फियोफाइसी के अंदर रहता है मैनिटोल और लेमिनेरिया, और रोडोफाइसी के अंदर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो यहाँ पर भी स्टार्च, यहाँ पर भी स्टार्च, बस फ्लोरिडियन लगाना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि सेल वॉल की। तो सेल वॉल होती है सेलुलोज, सेलुलोज और सेलुलोज, तीनों के अंदर कांस्टेंट है क्योंकि हाईलाइट किया हुआ है अपने स्टार्टिंग में किया था कि जो हाईलाइटेड हैं वो सब में सेम होंगे। बस एक चीज़ लगानी है कि फियोफाइसी के अंदर एल्जिन प्रेजेंट होता है, बाकी तीनों के अंदर सेलुलोज की प्रेजेंट होती है सेल वॉल। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटाट, इनका हैबिटाट क्या होने वाला है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हाईलाइटेड है, यानी कि देखो फ्रेश वाटर होते हैं क्लोरोफाइसी ये, और ये ब्रैकिश वाटर भी होते हैं प्लस सोल्ट वाटर, तीनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं फियोफाइसी के बारे में। तो ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं प्लस ब्रैकिश वाटर में प्रेजेंट होते हैं प्लस सोल्टी वाटर में, एग्जैक्टली सेम है, जो यहाँ प्रेजेंट थे वो भी सेम है, बट ध्यान रखना कि फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं फ्यू, फ्रेश वाटर के अंदर कुछ ही होते हैं ओनली। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगली बात करते हैं रोडोफाइसी के बारे में। तो रोडोफाइसी के अंदर वही फ्रेश वाटर, वही ब्रैकिश वाटर, वही सोल्टी वाटर, ठीक है, सेम चीज़ें तीनों में हैं, बस यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेश वाटर में फ्यू प्रेजेंट हैं और यहाँ पर फ्रेश वाटर में सम प्रेजेंट हैं। फ्यू और सम हिंदी के अंदर लिखने में सेम हो सकते हैं, बट
इंग्लिश के अंदर अच्छे से समझ आ रहा है कि इसके अंदर फ्यू है, इसके अंदर सेम है, और सोल्टी वाटर के अंदर मोस्ट जो है मैक्सिमम नंबर जो है वो सोल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं रोडोफाइसी। तो इसका मतलब हो गया, मोस्ट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ये सोल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।